हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं लर्निंग एक्सपीरियंस विद एके ओब्रॉय और ये है चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 5.1 फॉर क्लास 11. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सो इन द फर्स्ट क्वेश्चन इट इज गिवन दैट इन द ब्रैकेट 5i मल्टीप्लाइड विद ब्रैकेट -3/5i. तो इसे क्या करना है, 5i मल्टीप्लाइड विद -3/5i. यहाँ 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा क्या, I मल्टीप्लाइड विथ -3i. तो -3i² और यहां पर i स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है, यहां पर -1 होगा. तो आपको यहां क्या करना है, -3i i² के जगह आपको -1 बैठा देना है. तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपका i का वैल्यू हो गया, माफ कीजिए, यहां पर आपका वैल्यू हो गया 3. तो अब a प्लस आई भी फॉर्म में हमें यहां पर मांगा है, तो a प्लस आई भी फॉर्म में अगर आपको मांगा है तो a यहां पर आप 3 लीजिए प्लस i और या b यहां पर 0 हो जाएगा और a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 0. उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन आपको करना है. इस पे दिया गया है कि i टू द पावर 9 प्लस i टू द पावर 19. तो i मल्टीप्लाइड विथ i टू द पावर 8. तो ये 9 को हम क्या कर लिए, इवन फॉर्म में ले आए हैं. तो इवन फॉर्म में लाने के बाद इसे हम स्क्वायर में ले जाएंगे. देखिए, इसे 18 बना लिया हमने और इसे 8 बना लिया. उसके बाद इसे हम स्क्वायर फॉर्म में ले जाएंगे. स्क्वायर फॉर्म में ले जाने के बाद आपको मिलेगा i मल्टीप्लाइड विथ i स्क्वायर टू द पावर होल टू द पावर 4 प्लस i मल्टीप्लाइड विथ i स्क्वायर होल टू द पावर 9. और उसके बाद i स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है -1 होता है, तो आप i स्क्वायर के जगह -1 बैठा लीजिए और आपको मिलेगा i मल्टीप्लाइड विथ 1, क्योंकि यहां पर जो पावर है ये इवन है. तो इवन रहने पर पॉजिटिव होता है और ऑड रहने पर नेगेटिव होता है, इसलिए ये -1 हो गया. तो i माइनस आई जो हो गया 0. अब यहां पर नेक्स्ट में क्या बात कर रहे हैं, i टू द पावर -39. तो इसे क्या लिख सकते हैं, i मल्टीप्लाइड विथ i टू द पावर -40. तो i मल्टीप्लाइड विथ ब्रैकेट i स्क्वायर होल टू द पावर -20. तो i स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1. तो -1 यहां बैठा दीजिए और आपको मिलेगा i मल्टीप्लाइड विथ -1 होल टू द पावर -20 और i मल्टीप्लाइड विथ 1/1 to the power 20. ठीक है, तो अब इसका वैल्यू क्या होगा, ये मल्टीप्लाई कीजिए और आपको मिलेगा आंसर आई. तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप यहां पर देख सकते हैं, एनसीईआरटी बुक की है. तो आइए सॉल्व करते हैं. तो इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो 3 मल्टीप्लाइड विथ 7 प्लस 3 इंटू 7i प्लस i इंटू 7 प्लस i इंटू 7i. तो यहां पर हमें क्या मिल रहा है, यहां मिल गया 21 प्लस ये हो गया 21i प्लस 7i प्लस 7i का स्क्वायर. तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर 21 प्लस यहां पर i और यहां पर i जो है ये कॉमन है हमारा. तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर कॉमन है तो हम लिख सकते हैं i बाहर ले लीजिए और अंदर आपका बच गया क्या, 21 प्लस 7. ठीक है, 21 प्लस 7 आपका यहां पर बच गया. तो ये हो गया 7 और यहां पर -1 बैठा दीजिए क्योंकि i स्क्वायर की वैल्यू -1 है. तो ये क्या हो गया, 21 प्लस i 28 -7. तो अब हमें क्या मिला, 21 माइनस 7 करेंगे अगर तो क्या मिलेगा, 21 माइनस 7 प्लस i 28 मिला यहां पर. तो अब यहां पर आप देखिए, ये हो गया आपका 14 प्लस i 28. तो यहां पर a क्या हो गया, a हो गया 14 और b हो गया 28. तो ये कौन से फॉर्म में है, ये है a प्लस i b के फॉर्म में है.